जयेशु माँ मेरी हमारे नित्य सहायक माता। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 39 से 42 तक हम देखते हैं माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के बाद शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में चल पड़ा। माँ मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अपनी परेशानियों को भूलकर उस गर्भावस्था में भी दूसरों की मदद करने के लिए माँ मरियम दौड़ते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रकार हम हमारे सभी कमजोरियों को, हमारे दर्दों को, दुखों को भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए माँ मरियम के समान हमेशा तत्पर रहना है। माँ मरियम हमारी नित्य सहायक माता है। उसी प्रकार हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1-5 तक, माँ मरियम काना के विवाह में एक परिवार में प्रवेश किया और उस परिवार में उनकी कमियों को, उनकी दुखों को माँ मरियम समझ लिया और उनकी अंगूरी खत्म हो जाने पर माँ मरियम अपने बेटे से जाकर समय से पहले भी उन्हें मजबूर कर रहा है, बेटा उनकी मदद करो। वे यीशु बोला, भद्रे मुझे और आपको क्या, फिर भी माँ मरियम ने नौकरों से कहा, वो जैसे कह रहे वैसे करो। वहाँ पर हम देखते हैं यीशु अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार माँ मरियम की विनती के वजह से सबसे पहला चमत्कार पानी को अंगूरी में बदल डाला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माँ मरियम के समान हम भी इस प्रकार हर हमेशा हर वल दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों की कमियों को, दूसरों के दुखों को, दर्दों को अपना समझकर माँ मरियम के समान नित्य सहायता करने के लिए तत्पर रहे। जय शुक्र।